वो गाड़ी 294 पे जरूर ले गया था, लेकिन एक्सीडेंट उसका 294 पे नहीं हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैं खुद देख आया हूं, उसके ब्लॉग मैं कंटिन्यू बनाऊंगा, रिएक्शन वाले भी बनेंगे, जैसे मर्जी। गुस्सा इस कदर भरा हुआ है कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता। तो गाइस, प्रो राइडर 1000 के फादर ने मतलब कुछ बातें बताई हैं, कुछ उन्होंने क्लियर किया है यूट्यूब चैनल को लेकर, और काफ़ी सारी बातें हैं जिससे आप लोग मतलब बहुत कुछ क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। सो आप लोग ये सब वीडियो देखो, आगे मैं आगे सब वीडियो डाल रहा हूँ। अभी उनके फादर ने वीडियो अपलोड किया प्रो राइडर 1000 के चैनल पर, उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो आप लोग वीडियो को पूरी वॉच करो। दिस इज मी, प्रो राइडर 1000 का फादर जितेंद्र चौहान। आज 10 तारीख की रात है, समय 12 बजे के आसपास है। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो भी मेरे बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी उसके सब्सक्राइबर हैं, मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। आप जानते हैं मेरे बेटे के साथ क्या दुर्घटना हुई है। कुछ लोगों के लिए मजाक बन गया है, लेकिन जो इसके सच्चे सब्सक्राइबर हैं, मैं जानता हूं दिलों से उसे भुला नहीं पाएंगे। जहां तक उसके केस की बात रही, हमने FIR कर दी है 304A 279, और हमें उम्मीद है कि वो 302 में तब्दील हो जाएगी। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करें, एक परिवार है, छोटा परिवार है, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। किसी भी हद तक मुझे जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी देख लेंगे। आप लोगों का इतना प्यार मिलता रहेगा तो मैं इस केस को कहां तक ले जाऊंगा आप उम्मीद भी नहीं सोच सकते। मेरा बस यही कहना है कि यूपी की पुलिस हमारे को फुल सपोर्ट कर रही है। उत्तराखंड में कुछ अधिकारी मेरे बेटे के ऊपर FIR करी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। मैंने सर माफ कर दो, छोटा बच्चा है, थोड़ी गाड़ी तेज चला ली होगी, मैं उससे माफी मांगता हूं। लेकिन उसको उठा करके थाने में ले जा करके उसकी पिटाई करके, ये कौन सी काउंसलिंग हुई? मैं देख रहा हूं कुछ अधिकारी बोल रहे हैं कि हमने 5 बार उसकी काउंसलिंग करी है। जरा उस 5 बार की काउंसलिंग का जरा वीडियो तो मेरे को दिखाएं। और आपने बिना फादर या फैमिली मेंबर्स को इतला करके उसकी काउंसलिंग भी ले ली, कोई बात नहीं। और इस वीडियो को देखकर भी मुझे लगता है कुछ अधिकारी नाराज हो जाएंगे, होने दो, क्या फर्क है, बेटे के ऊपर केस किया, क्या पता मेरे ऊपर भी कोई झूठा केस कर। हम तो हम यही चाहेंगे कि हमें बच्चे को न्याय दिलाना है। बच्चा खुद गिरा है, उसे गिराया गया है या किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है, ये सब एक पहेली है। उन्हें गवाह भी मिले हैं जो ये बता रहे हैं। मौके से दूसरा राइडर, 7 जैसे ही इसका एक्सीडेंट हुआ, दूसरा राइडर वहां से भाग गया है। अब वो राइडर कौन था वो गवाह बताएगा, कैसे कलर की उसकी बाइक थी वो गवाह बताएगा, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी पर्सनल एलिगेशन में नहीं लगा रहा, हमने FIR कर रखी है, अब बाकी काम पुलिस का है। उम्मीद है आप लोग सब जितने भी उसके सब्सक्राइबर हैं उसको प्यार करते रहेंगे। 15 तारीख को प्रो राइडर 1000 की 13वीं है, मैं उसका व्हाट्सएप के या यूट्यूब के माध्यम से वो कार्ड दे दूंगा। जो भी उसके प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, कोई देखना चाहता है उसके लास्ट, तो वो भी वहाँ आ सकता है, और मेरे को खुशी होगी, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, कोई भी हो, कर ले तो सब सम्मान में। और जहाँ तक रही उसके यूट्यूब चैनल की बात, वो हमें काम दे के आए कि पापा आप ये काम जरूर करना। मेरा तारीख के बाद उसके ब्लॉग में बनाऊंगा। आप लोगों का प्यार मिलता है, और मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूं अधिकारियों को। ऐसी कई पेटियां पड़ी हुई है उसकी, उसकी दूसरी साइड भी देखें। ये मत देखें कि बच्चा ने भीड़ में तेज चला लिए, आज उसे पकड़ दो, उसकी पिटाई कर दो, उसके यूट्यूब चैनल ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे मेरे पास कई पेटी है उसकी रखी हुई, किसी भी स्टेट में चले जाओ, पता कर लो उत्तराखंड का एक प्लेयर कैसे खेलता था, जो अपने प्रदेश का नाम रोशन करता था। किसी ने शिकायत कर दी, ये कर दिया। पूरे उत्तराखंड में एक ही सुपर बाइक है,
बाकी सुपर बाइक वाले कितने हैं, उनकी कंडीशन देखिए वो क्या क्या करते हैं। वो एक चीज और बता दूं, उसने अभी एग्जाम दिए थे कॉलेज के, एग्जाम खत्म होते ही ये सोच रहा था कि पापा मैं पुलिस में भर्ती होऊंगा स्पोर्ट्स कोटे से। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो गाड़ी 294 पे जरूर ले गया था लेकिन एक्सीडेंट उसका 294 पे नहीं हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैं खुद देख आया हूं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डॉक्टर ने खुद लिखा है कि हेड इंजरी नहीं होती तो ये खुद खड़ा होकर चले जाता, क्योंकि उसकी एक भी बॉडी में फ्रैक्चर नहीं है सिवाय सर के चोट के। 300 की स्पीड में ये कर लिया वो कर लिया, 300 की स्पीड में अगर दीवार या किसी से टकरा होगा तो हड्डियां उड़िया कहीं दूसरे खेत से लानी पड़ती किसी की, गाड़ी का इंजन कहीं और से लाना पड़ता। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरी उनसे भी गुजारिश है, प्लीज गाड़ी संभाल कर चलाएं, चाहे वो बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, लेडीज हो माताएं हो बहनें हो, मेरे को कोई उससे कोई वो नहीं है, गाड़ी सेफ चलाएं। लेकिन जहां इसका एक्सीडेंट हुआ वहां सब लोग कह रहे हैं, मैं खुद मौके पे गया हूं, कि भाई साहब 100 से नीचे चलोगे तो पीछे गाड़ी वाला ठोक देगा, वहां रोड क्रॉस करनी मुश्किल है, इतनी हाई स्पीड होती है वहां पे। कोई बात नहीं, हमने शेर पे ऐसा किया शेर के हिसाब से मरा, फुल आजादी दी थी हमने अपने बच्चे को, लेकिन हमारे बच्चे ने कभी गलती नहीं करी, हमारे बच्चे ने कभी किसी को राह चलते हुए छेड़ा नहीं, मदद ही करी। उसकी ब्रेवरी के रिकॉर्ड निकाल दोगे तो कालसी थाने से भी निकलवा सकते हो, जहां उसने 40 साल कमरेवन डिप्टी कमांडेंट के बेटे को पानी में से मेरे साथ निकाला था 40 फुट पानी के नीचे से, उसका रिकॉर्ड आज भी थाने में दर्ज है, देख लीजिए कालसी थाने में वो रिपोर्ट दर्ज है, जब मैंने और मेरे बेटे ने उसको पानी में डूब के निकाला था 40 फुट पानी के नीचे से, वो भी किसी का बच्चा था, भले उसकी डेथ हॉस्पिटल में हुई हो। रोहित मारतुलिया उस लड़के का नाम था, DIT कॉलेज में पढ़ता था, चाहे तो इंक्वायरी निकाल सकते हैं। आज भी उस बच्चे का मंदिर बना हुआ, क्योंकि उसके हॉस्पिटल में डेथ भी थी, वहां भी पुलिस वाले थे, मैं और मेरा बेटा गए थे उसे निकालने 40-50 फुट ऊपर आते हुए, 3 बार हमने भी पानी पिया, हमने तो किसी को नहीं बताया हमने ये काम कर रखे। हमें एक फौजी नाली में डूबा मिला, हमने उसे कीचड़ में से निकाला, हमने कभी नहीं बताया किस लिए, समाज सेवा में लगे हुए, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा बुरा करेंगे तो बुरा होगा, लेकिन ये बुरा करवाया गया है, इसलिए संभल कर चलिए। चोट अपने लगती है तब दर्द होता है, और चोट जिसने मेरे बेटे के साथ अन्याय किया चोट उसको जरूर लगेगी, सब हिसाब किताब यही देना पड़ता है, कोई स्वर्ग कोई नर्क कुछ नहीं होता, जो बीतेगी यही बीतेगी, और एक दिन वो जल्दी आएगा, मैं उसका वेट करूंगा, उससे पहले मैं मरने वाला नहीं हूं, इस चीज का ध्यान रखना। इसलिए 15 तारीख के बाद उसके ब्लॉग्स मैं कंटिन्यू बनाऊंगा, रिएक्शन वाले भी बनेंगे, जैसे मर्जी, कोई सुपर बाइक चलाएगा तो पब्लिक तो देखेगी उसको, या आंखें बंद कर लेगी पब्लिक। हाँ ये है, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, कोई इंपोर्टेड सुपर कार निकलती है तो पब्लिक का अट्रैक्शन बन जाता है उसकी तरफ, जो इस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रही है शीत माई डॉटर, अब ये सुपर कार बाहर जाके देखेगी कोई यहां पर, वैसे इनके लिए तो खिलौने हैं वो, लेकिन देखेगी तो आदमी पलट के देखता है, नाइस कार, सब इज्जत करते हैं, उसको आप छेड़छाड़ी में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अब इससे ज्यादा दिल बहुत भरा हुआ है, गुस्सा इस कदर भरा हुआ है कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता। लोग सब निश्चिंत रहे, खुश रहे, जितने भी सब्सक्राइबर जिन्होंने उसे टॉर्चर किया वो भी खुश रहे, आबाद रहे, और जो उसके प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं चाहे वो साउथ नॉर्थ कहीं के भी हो, डोंट वरी गाइस, मैं और मेरी बेटी इसको कंटिन्यू रखेंगे, आप चिंता ना कीजिए, आपको वैसे ही ब्लॉग मिलते रहेंगे। हाँ थोड़ी सी एडिटिंग में छोटा मोटा फेरबदल हो सकता है, डोंट वरी, वो मैं सीख लूंगा धीरे धीरे। आप लोग सब यूट्यूब में प्रो राइडर 1000 को सपोर्ट करते रहोगे हमेशा, धन्यवाद।